एक और बड़ी खबर, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने फर्जी टीआरपी रैकेट के पर्दाफाश का दावा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी टीआरपी रैकेट में रिपब्लिक टीवी चैनल का नाम लिया है और कहा है कि रिपब्लिक टीवी के बड़े अधिकारी इस फर्जी टीआरपी रैकेट में शामिल है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि रिपब्लिक टीवी को समन भेजा जाएगा और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और रिपब्लिक टीवी के खातों की जांच कराई जाएगी। जी हां, उसके अकाउंट्स की जांच होगी, उसके खाते सीज भी किए जाएंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस मामले में दो छोटे चैनल के मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह खुलासा किया है कि फर्जी टीआरपी रैकेट में शामिल लोग टीआरपी सिस्टम से छेड़छाड़ करते थे। जिस घर में टीआरपी मशीन लगी होती थी उनको पैसे देकर दिन भर चैनल चलवाया करते थे और इस तरह से ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें अब बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो रिपब्लिक टीवी के खाते सीज किए जाएंगे, ये पुलिस ने कहा है। ये एक बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस कमिश्नर का, वो खुद सामने आए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो ये इस वक्त की और आज की एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि बड़े अधिकारियों को भी समन जाएगा, उनसे भी होगी पूछताछ। और क्या कुछ उन्होंने दावा किया है आपको सुनवाते हैं। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। चैनल के ओनर्स फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो फर्जी टीआरपी रैकेट के पर्दाफाश का यह दावा है और आपको बता दें कि किस तरीके से अब इसमें बड़े लोग जिनसे की पूछताछ हो सकती है। तो ये मुंबई पुलिस का दावा है कि रिपब्लिक टीवी फर्जी टीआरपी रैकेट में शामिल है और अगर ऐसा हुआ तो बहुत से ऐसे नाम सामने आ सकते हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जिन पर तलवार लटक रही है। बात करें कि किस तरह से मुंबई पुलिस का दावा है, तो रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम से छेड़छाड़ की, यह दावा है मुंबई पुलिस का, और फर्जी टीआरपी रैकेट में दो चैनल के जो मालिक हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे हो रही है पूछताछ। जी हां, रिपब्लिक टीवी को समन भेजा जाएगा और उसके बाद इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूछताछ में। तो पूछताछ होगी और टीवी के, रिपब्लिक टीवी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ये पूछताछ होगी और रिपब्लिक टीवी के खातों की जांच भी की जाएगी, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने कहा है। तो रिपब्लिक टीवी के खातों की जांच होगी, मुंबई पुलिस का जो दावा है वो आपके सामने है और किस तरह से रिपब्लिक टीवी के खाते भी सीज किए जा सकते हैं ये एक बड़ी खबर है। तो टीआरपी रैकेट में शामिल रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम से छेड़छाड़ की, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कहा है, और फर्जी टीआरपी रैकेट में दो चैनल के मालिकों को भी गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए, रैकेट का पर्दाफाश यानी कि फर्जी टीआरपी रैकेट के पर्दाफाश की यह कहानी है और रैकेट का पर्दाफाश जिस तरह से अब पुलिस ने दावा किया है तो लगातार इसमें अब बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, समन भी उनको भेजे जाने की पूरी तैयारी है।